जय हिंद बच्चों, इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रीज का फॉर्मूला। और हमने ट्रिगो के फॉर्मूला को याद करने का आपको तीन स्टेप बताया। क्या क्या? फर्स्ट स्टेप्स की आप फॉर्मूला की फाइल बनाइए, सेकंड उस फाइल में जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको आप खुद से कम एक बार डिराइव करो, एंड थर्ड कि फॉर्मूला को बार बार लिखिए एंड बार बार सोचते रहिए। सुबह जग करके आपने जिस फॉर्मूला को सोच लिया, जो फॉर्मूला आपको याद आ गया, ट्रस्ट मी वो फॉर्मूला जिंदगी भर नहीं भूलेगा। बात समझ आ गया? तो अभी तक हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला के 6 फाइल में से 4 फाइल को डिस्कस कर लिया है पिछले 4 अलग अलग वीडियोज में, है ना। आज हम लेकर के आए हैं फाइल नंबर 5, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला का। बात समझ आ गया? ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला के अंदर टोटल 8 फॉर्मूलाज होते हैं, 4-4 के 2 सेट में। पहले सेट में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है प्रोडक्ट टू सम डिफरेंस, टू साइन ए इंटू कॉस बी। ये क्या होता है? ये होता है साइन ए प्लस बी, ठीक है, प्लस साइन ए माइनस बी, प्लस साइन ए माइनस बी। सर आता कैसे? आता कैसे है ना, तो ये आता है राइट हैंड साइड में जो दिख रहा है ना, सिंपली साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ये इनको इनका फॉर्मूला लिखो, इनका फॉर्मूला लिखो। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। और माइनस वाला क्या होता है? माइनस वाला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? देखिए ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, है ना, साइन ए कॉस बी और साइन ए कॉस बी, ए गो साइन ए कॉस बी और ए गो साइन ए कॉस बी, कै गो, दो गो साइन ए कॉस बी। बात समझ आ गया? तो ये है फॉर्मूला का प्रूफ। अच्छा, अगर इसी में इसमें से इसको माइनस कर दें तो ये वाला माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो इस बार ये कैंसिल होगा, तो टू कॉस ए इंटू कॉस बी, टू कॉस ए इंटू साइन बी, सॉरी टू कॉस ए इंटू साइन बी। ये किसका फॉर्मूला है ना, इसका क्या बनेगा? साइन ए माइनस ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टू कॉस ए इंटू साइन बी। कभी जरूरत पड़ा कि प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में ले जाना है तो हम इसके हेल्प से लेकर चले जाएंगे। अच्छा, सिमिलरली टू कॉस ए इंटू कॉस बी, बात समझ आ गया? ये कैसे, इसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, है ना, इन दोनों फॉर्मूला को ऐड करके देखना। कॉस ए प्लस बी क्या होता है? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और कॉस ए माइनस बी कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, है ना, तो प्लस माइनस वाला पार्ट कैंसिल होगा, टू कॉस ए इंटू कॉस बी बचेगा, एंड एट लास्ट टू साइन ए इंटू साइन बी, ये होता है कॉस ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, है ना, चूंकि अगर कॉस ए प्लस बी में से ए माइनस बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस बार नेगेटिव आ जाता है, इसलिए है ना हम क्या करते हैं, कॉस ए माइनस बी में से कॉस ए प्लस बी को माइनस करेंगे ताकि लेफ्ट हैंड साइड हमारा जो ये है ये पॉजिटिव रहे। बात समझ आ गया? आप ये करके देखो, है ना, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए इंटू कॉस बी, है ना, कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस साइन ए इंटू साइन बी, और ए प्लस बी का कॉस ए इंटू कॉस बी, बात समझ आ गया, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। हमें क्या करना है? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट कैंसिल होगा, तो क्या होगा? टू साइन ए इंटू साइन बी, है ना, पॉजिटिव रहे, इसलिए ध्यान रखिए ये जो चौथा फॉर्मूला है इसमें थोड़ा सा जो है अलग है 1, 2, 3 से, फॉर्मूला नंबर 1, 2, 3 से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब जो दूसरा सेट है, दूसरा सेट जो 4 फॉर्मूला का है वो इन्हीं 4 फॉर्मूला के हेल्प से आते हैं, वो कैसे, तो चलिए देखते हैं। आप क्या करो कि a प्लस बी को ना थोड़ी देर के लिए आप c लेट कर लो, और a माइनस बी को d, a माइनस बी को हम d लेट कर लेते हैं, ठीक है, इन फॉर्मूलाज में जहां पर a प्लस बी है उनको c और a माइनस बी को d, और इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा? यहां से 2a इक्वल टू सी प्लस डी, 2a इक्वल टू सी प्लस डी, ठीक है, तो a का वैल्यू क्या आएगा? a का वैल्यू आएगा c प्लस डी बाई 2,
ए का वैल्यू आएगा सी प्लस डी बाई टू, है ना। अच्छा ए हमारा आ चुका है सी प्लस डी बाई टू। अच्छा इस ए को किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, या तो ए प्लस बी इक्वल टू सी में या ए माइनस बी इक्वल टू डी में। तो आप देखोगे कि जो डी का वैल्यू आएगा ना, दिस इज जो बी का वैल्यू आएगा, जो बी का वैल्यू आएगा ना वो होगा सी माइनस डी बाई टू, वो होगा सी माइनस डी बाई टू, है ना। तो अब देखिए कहानी क्या बदलता है, जो हमारे फॉर्मूलाज हैं ये लेफ्ट हैंड साइड में, इनमें देखो ये क्या होगा, पहला फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, है ना, ये जो राइट हैंड साइड है इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहे हैं, तो ये साइन सी प्लस साइन डी बनेगा, साइन सी प्लस साइन डी, बात समझ आ गया। और ये क्या बनेगा, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, बात समझ आ रहा है क्या, क्लियर है ना, देख रहे हो ये अलग नहीं है, यही फॉर्मूला है। अच्छा सेकेंड वाला देखो, राइट हैंड साइड को लेफ्ट में लिख रहे हैं साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, बात समझ आ रहा है। देखिए थर्ड वाले में कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, तो ये क्या होगा, देख लो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, टू कॉस ए है तो एक जगह पर सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस बी है तो सी माइनस डी बाई टू, है ना। ये तीन फॉर्मूला, तीनों एक जैसे हैं लगभग, लेकिन जो चौथा फॉर्मूला होगा वो देखो क्या होगा, कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी नहीं है ये कॉस डी है, कॉस डी माइनस कॉस सी, क्योंकि ए माइनस बी इस बार पहले है, है ना, तो ये इसको हमने डिलीट किया है, तो कॉस सी माइनस कॉस डी क्या आएगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड में टू साइन है ना, तो टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, बात समझ आ रहा है। लेकिन चूंकि जो तीन फॉर्मूला हैं इनमें साइन सी है ना कॉस सी ये पहले है, सी पहले है, तो हम इसमें क्या करते हैं माइनस कॉमन लेकर के, है ना, माइनस कॉमन लेकर के और इस माइनस को उस साइड भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू और इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, है ना। तो ये एक फॉर्मूला बना, है ना, ये पहला फॉर्मूला बना किसका, कॉस सी माइनस कॉस डी का। अब कुछ बुक में क्या किया करता है कि इस माइनस को इस साइन के अंदर डाल देगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, साइन के अंदर माइनस हो तो बाहर निकल जाएगा, वैसे ही बाहर माइनस हो तो अंदर भी जा सकता है, तो इसको लिख सकते हैं कॉस सी माइनस कॉस डी दिस इज इक्वल टू टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, बात समझ आ गया। तो ये जो है इसका सेकेंड फॉर्मूला है, और देखो दोनों तरफ जो चौथा फॉर्मूला है ना ये थोड़ा अलग है बाकी के तीन फॉर्मूलाज से, इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो ये फॉर्मूला नंबर, इन दोनों सेट के जो फॉर्मूला नंबर फोर है ये आपको याद होने चाहिए ढंग से, इसमें बच्चे भूलते हैं, बात समझ आ गया। तो ये था हमारा फाइल नंबर फाइव जिसके अंदर टोटल आठ फॉर्मूलाज हैं, बात समझ आ गया। और अब है टाइम क्यूज का, इन पर बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चन ये दे रहा हूँ, इन क्वेश्चन को सॉल्व करके, है ना, और इनका जो सही आंसर है सही ऑप्शन है वो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना होगा, ठीक है ना। तो ये रहा फॉर्मूला का फाइल नंबर फाइव का बात, मिलेंगे कल सुबह 8 बजे, है ना, लास्ट फाइल नंबर सिक्स के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें।